हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब लोग सिम का यूज़ तो ज़रूर करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिम कितनी तरह के होते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिम कितनी तरह के होते हैं। सो फ्रेंड, मेरा नाम आसिफ और आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सिम कार्ड दो तरह के होते हैं, जिनमें से पहले नंबर पर आता है ई सिम कार्ड। ई सिम कार्ड काल्पनिक सिम होता है। ई सिम का मतलब अबैंडन्ड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। ई सिम को फ़ोन में लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ई सिम के ज़रिए फिजिकल सिम के सभी सर्विस का फ़ायदा लिया जा सकता है। ये एक तरह का चिप होता है जो सिम कार्ड की तरह ही काम करता है। ई सिम फ़ोन में यानी किसी डिवाइस में पहले से ही इंस्टॉल्ड किए जाते हैं, मतलब ई सिम को आप निकाल नहीं सकते, साथ ही इसे आप अपनी सभी डिवाइस में नहीं चला सकते हैं। ई सिम कार्ड को टेलीकॉम कंपनियां एक्टिव करती हैं। इसकी खासियत यह है कि ऑपरेटर बदलने पर आपको सिम कार्ड नहीं बदलना पड़ता। इसके अलावा स्मार्टफोन में सिम कार्ड को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई सब्सक्राइबर यदि अपना टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर मतलब सिम बदलकर दूसरी सिम खरीदना चाहता है, तो इसके लिए दूसरी सिम नहीं खरीदनी होगी, बल्कि उसके मोबाइल फ़ोन में अबैंडन्ड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल ई सिम डाल दी जाती है और ई सिम को अपडेट कर दिया जाता है। ई सिम इस्तेमाल करने से आपकी स्मार्टफोन बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी। सॉफ्टवेयर के जरिए काम करने वाले ई सिम में फिजिकल सिम की अपेक्षा में स्मार्टफोन की बैटरी खपत कम होती है। इंडिया में फ़िलहाल एयरटेल और जियो के पास ही ई सिम उपलब्ध है। आईफोन के कई मोबाइल में ई सिम को यूज़ किया जाता है। दोस्तों, सेकंड नंबर पर आता है वर्चुअल सिम। वर्चुअल सिम नॉर्मल सिम से काफ़ी अलग होता है और इसे ऑनलाइन जनरेट किया जाता है। आमतौर पर वर्चुअल सिम से यूज़र को क्लाउड बेस्ड नंबर दिया जाता है। कॉलिंग या मैसेज करने के लिए यूज़र्स को ऐप डाउनलोड करना होता है। वर्चुअल सिम के लिए आपको किसी दुकान पर जाकर आपकी आईडी और फ़ोटो देने नहीं होते हैं, क्योंकि नंबर कंप्यूटर जनरेट होते हैं। नंबर कहीं का भी हो सकता है, जैसे अमेरिका या फिर ब्रिटेन। वर्चुअल सिम का यूज़ पहचान छुपाने के लिए भी किया जाता है। आमतौर पर यह सर्विस फ्री नहीं होती है, इसके लिए पैसे देने होते हैं। वर्चुअल नंबर के लिए ऐप में साइन अप करके एरिया कोड डालना होता है और आप इससे किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। वर्चुअल सिम एक्टिवेट करने के लिए यूज़र्स को उसके ही स्मार्टफोन में वेरिफिकेशन के लिए कोड भेजा जाता है। वर्चुअल सिम के ज़रिए की गई कम्युनिकेशन को आम सिम की तरह ट्रैक या ट्रेस नहीं किया जा सकता। आई होप के वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।